लोकल 18 की चुनावी टीम अभी बरी विधानसभा के चौपारण, जिसे खीरमोहन नगरी से भी जाना जाता, वहां मौजूद है और यहां स्थानीय लोगों से जानेंगे किन जन समस्याओं, किन मुद्दों पर इस बार के चुनाव में वोट करने वाले हैं। यहां कुछ लोग मौजूद है, ये इटखोरी मोड़ है और यहां पे जो स्थानीय लोग है वो मौजूद है। क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा में फूल छाप का मुद्दा है, फूल छाप ही कमल फूल हम लोग एकदम तैयार है, उन पर भी उम्मीद है सब तरफ से। ये जो सरकार पहले के थे, ये जो हमारे उमा शंकर केला जी, ये लेने वाला खाली काम किए, काम करने वाला काम नहीं। क्या देख के वोटर जाएंगे वोट करने के लिए, क्या रहेगा उनके मन में? हम लोग बहुत साल से देखते आ रहे हैं, कई बार वो विधायक रह चुके हैं मनोज यादव जी, जितना उन पर उम्मीद है भरोसा है, दूसरे पर और हम लोग को भरोसा नहीं। मेरा नाम सुभाष सिंह है। सुभाष जी है जिनका कहना है कि इस बार कमल फूल जो है वो हावी रहेगा, खिलेगा। क्या वोटरों के मन में चल रहा है, कैसे वोट देख रहे हैं, कैसे को किस मुद्दे पर वोट करेंगे? कहने का मतलब है, मेरा कोई हम हाय फाय वाला आदमी है नहीं, सिंपल आदमी है। रह गया वोट, वोट दुबे को पड़ेगा, बीजेपी को पड़ेगा, फिर साहू जी बोले हैं, साहू जी कांग्रेस में। जनता के मन में क्या मुद्दा लेके चल रहा है कि ज्यादा मनोज यादव वोट पड़ेगा? अच्छा, मनोज यादव पड़ेगा, ठीक है, लेकिन चौपारण की क्या जन समस्या है, किस समस्या को देख के जनता वोट करेगी? जैसे गरीबी, देख मनोज यादव रहे तो सब पब्लिक के देखा होगा, बाकी और कोई देखा नहीं। क्या समस्या है? समस्या ओवर ब्रिज का है, रोड का भी समस्या है, उनसे हर जगह हम लोग उम्मीद करते हैं, गांव घर समाज हर जगह वो पहुंचते हैं, कुछ न कुछ दान दे के जाते हैं, धर्म के नाम पर भी वो काम किए हैं। धर्म भी एक मुद्दा रहेगा, रहबे करता है, और जय श्री राम का नारा है, नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है। तो ये जाहिर सी तौर पे एक धर्म भी एक बड़ा मुद्दा है। भैया यहाँ पे हैं आप काफी सालों से, क्या मुद्दा रहेगा चौपारण का? मुद्दा बता दीजिए, बस मुद्दा बता दीजिए। चौपारण की सबसे बड़ी जन समस्या आपको क्या लगती है? कि चौपारण जनता बहुत सजग है, क्योंकि यह झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर बसा हुआ चौपारण है, यहाँ की राजनीति बिहार के पैमाने पर चलती है, यहाँ की जनता पार्टी पर कम विश्वास करती है, व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास करती है, और जो यहाँ के जनता के सुख और दुख में परिवार के सदस्य बनकर खड़ा रहता है, उसी के पक्ष में यहाँ की जनता मतदान करती है। मतलब जो केक कटाई या कुछ घर के कार्यक्रम में लोग जाते हैं, वही लोग देखते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल, जो सुख दुख में यहाँ के जनता के साथ खड़ा रहता है, यहाँ का इतिहास है, यहाँ की जनता भी उसी साथ खड़ा रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या समस्या नजर आया आपको इतने सालों में चौपारण में? देखिए, समस्या को बाहर है वो, चौपारण की सबसे प्रमुख समस्या में एक है, यहाँ का NH2 पर फ्लाई ओवर निर्माण का काम चल रहा है, जो पिछले 2019 से आज तक पेंडिंग पड़ा है। यहाँ के जन समस्याओं में एक प्रमुख समस्या वो है, जिसका आज तक कोई निदान नहीं हो पाया है। और ऐसे जब जनरली समस्याओं को देखा जाए तो यहाँ के जनता को केवल लॉलीपॉप दिया गया। दूसरी उससे बड़ी संकट यहाँ क्या खड़ी हो गई है कि चौपारण पिछले कुछ दिनों से अनैतिक कार्य का एक बड़ा केंद्र बन गया। कौन सा कार्य? यहाँ शराब तस्करी, अफीम तस्करी या नशीले पदार्थ की तस्करी पैमाने पे हो रही है। ये चुनाव में मुद्दा रहेगा? ये चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा है चौपारण के। हाँ, बुद्धिजीवी लोग इसी खिलाफ में चुनाव करने जा रहे हैं कि यहाँ का फ्यूचर खराब ना हो, यहाँ के जो युवा पीढ़ी है जो नशेली बन रहे हैं या तस्करों में शामिल होकर अपना पढ़ाई लिखाई भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, तो उसका भविष्य को हम लोग कैसे बचाएं? इसीलिए पूरे चौपारण के बुद्धिजीवी वर्ग एक मंच पर आ गए हैं और इस पर अंकुश लगाने वाले जनप्रतिनिधि के पक्ष में मतदान करने का निर्णय ले चुके हैं। अब किसके पक्ष में मतदान करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। तो ये एक और साथी, क्या लग रहा है, क्या समस्या है, क्या मुद्दा है जनता किस किस ऊंट किधर बैठने वाला है इस बार के चुनाव में? देखिए, इसको तो स्पष्ट अभी नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव बहुत रोचक हो गया है। आपने देखा होगा कि अंतिम समय में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, पहले भाजपा और कांग्रेस से सीधी टक्कर होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है उनको सपा से टिकट मिला है, मतलब भाजपा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, यही तीन पार्टियां हैं, और विकल्प खुला है पब्लिक के पास। ऐसे तो
आंकड़े के हिसाब से कहा जाए तो 4 बार पूर्व विधायक मनोज यादव रह चुके हैं यहाँ के विधायक, 2 बार अकेला ये, और अरुण साहू जी अभी आए हैं कांग्रेस से, मतलब 30 साल से 2 विधायक है, जनता बदलाव भी चाह रही है। ये तो मैंडेट बताएगा, 23 को पता चलेगा। लेकिन अब समस्या की बात कर रहे थे, हमको लगता है कि आप चौपारण की जो पहचान है ना बदल गई है पिछले कुछ सालों में। यहाँ जिस स्तर का अवैध अनैतिक काम हुए हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। आपको शायद मालूम होगा कि हमारा जो बॉर्डर एरिया है यहाँ से बिहार शुरू होता है, बिहार में शराबबंदी है, शराब का बड़ा केंद्र चौपारण है, यहाँ के जो सरकारी शराब दुकान है वहाँ से भी शराब सप्लाई होता है बिहार, और इतने सारे फैक्ट्रियां हैं कि कुटीर उद्योग जैसा है। आपको मालूम होगा, ये भी बता दें कि एक पंचायत है भगर, वहाँ ये कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। तत्कालीन जो हमारे मद्य निषेध मंत्री थे जिनका देहांत भी हो गया, वो खुद आए थे भगर, शराब इतना वहाँ पैमाने पर निर्माण होता है तो शराब, इसके अलावा फीम का उत्पादन यहाँ होता है, खेती बड़े पैमाने पर। जनता ये सब सोच के वोट करेगी? बिल्कुल, वही तो मैं आप आगे उसी पे जा रहा था। समस्या आप अगर आप 4 घंटा चौपारण में है तो आपको समस्या ही समस्या नजर आएगी। अगर आप जीटी रोड पे चले जा रहे हैं तो पिछले 5 साल से आपको चौपारण बाजार में जाम का स्थिति नजर आता है। 5 साल से फ्लाईओवर एकदम बूथ जैसा स्टैचू बन के खड़ा है, बन नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, एक रत्ती काम नहीं है। चौपारण बाजार में पानी सप्लाई नहीं है, शिक्षा का भी वही हाल है, परेशानी सरेआम है। और उसमें अभी जो नशा का जो कारोबार है वो एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, जगह जगह चर्चा हो रही है। और उतना ही नहीं, पिछले साल 2-3 साल पहले कई लोगों पर गोलियां भी चलाई गई उग्रवादी संगठन के द्वारा, मेरे ऊपर भी गोली चली है और 2-3 लोगों पर गोली चली। तो आखिर इन सब के पीछे कौन है ये जनता जानना चाहती है। पुलिस का जांच वहीं तक पटाक्षेप हो गया है, उसके आगे जनता जानना चाहती है। ये सब मुद्दा तो है मेरे नज़र में और जनता के नज़र में, जितने भी राजनीतिक दल हैं इस बात को समय समय पर उठाते रहे हैं। और भी लोगों से जानेंगे क्या रहेगा भैया इस बार का चौपारण का मुद्दा, कैसे जनता जाएगी कहाँ है। देखिए अभी वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी की चल रही लहर है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है मनोज कुमार यादव जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और खास करके यहाँ मोदी का भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी लहर चल रही है। ये चौपारण की जनता है जो अपने मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में वोट करने वाली है। चौपारण बता दें एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। वर्तमान विधायक उमा शंकर अकेला अभी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। बता दें इससे पहले वो कांग्रेस में विधायक थे, लेकिन टिकट कटने के बाद कांग्रेस ने अपना टिकट उनका काट कर अरुण साहू को दिया। वहीं भाजपा से पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता किस ओर जाती है, क्या जनता का निर्णय होता है, वो बाद में पता चल पाएगा।